अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का जल्द ही लोहरदगा में भी पुनर्गठन कर लिया जाएगा। इसको लेकर आज रांची से एक 5 सदस्यीय टीम ने लोहरदगा के अधिवक्ताओं से मिलकर विचार विमर्श कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि अधिवक्ता परिषद एक ऐसा परिषद है जो राष्ट्रहित और देश हित को सर्वोपरि मानता है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद जो पूरे भारतवर्ष में संगठन है, जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी, जिसका ध्येय वाक्य है न्याय मम धर्म, यानी कि इंसान के जिंदगी में दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक न्याय और दूसरा धर्म। ये दो चीज़ इंसान को इंसान बनाता है, चरित्रवान बनाता है। अधिवक्ता परिषद अधिवक्ताओं का एक ऐसा समुदाय है, समूह है, जो राष्ट्रहित और देश हित को सर्वोपरि मानता है। अधिवक्ता परिषद का झारखंड इकाई का आज से 3 साल पहले लोहरदगा में एक कार्यक्रम हुआ था, सरस्वती विद्या मंदिर में हुआ था। अधिवक्ता परिषद के प्रायः सभी जिले में इकाई है और लोहरदगा में भी इकाई रही है, लेकिन अभी यहाँ नया कार्यकारिणी का गठन किया जाना है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे और यहाँ हमारे पूर्व के अधिवक्ता परिषद के सदस्य रह चुके श्री देवाशीष जी, धर्मेंद्र सहदेव जी, प्रवीण जी, अमित अनिल पांडे जी, अनिल के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया और आगे की कार्य योजना के बारे में विचार किया गया कि अधिवक्ता परिषद का एक इकाई का गठन जल्द से जल्द किया जाए। और ये हमें आश्वासन मिला है कि 1 सप्ताह के अंदर नई कार्यकारिणी की गठन की जाएगी, जिसकी सूचना पुनः आप लोगों को दी जाएगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।